हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ मेरे टॉप हेयर वॉशिंग सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके हेयर को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। सबसे पहला है राइस वाटर रिंस करने के बाद हेयर वॉश करने के लिए जेंटल शैम्पू यूज़ करें। अब वो जेंटल शैम्पू राइस वाटर रेंज का ही हो तो स्टार्च वाटर के बेनिफिट्स भी हमारे हेयर को अच्छे से मिल जाएंगे। राइस वाटर में अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हेयर रूट्स को स्ट्रेंथन एंड हेयर ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और राइस वाटर में जो इनोसिटॉल होता है वो हेयर स्ट्रेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करता है, और स्टार्ची एलिमेंट हेयर में शाइन लाता है और लॉक्स सॉफ्ट हो जाते हैं जो कि हेयर डिटैंगलिंग प्रमोट करता है। ऐसे में ये बर्ड्स एंड बेरीज का राइस वाटर एंड चिया सीड्स शैम्पू है। इसका मेन इंग्रेडिएंट है राइस वाटर। राइस वाटर पावर पैक्ड होता है विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट से, जो कि हेयर को स्ट्रॉन्गर, शाइनियर एंड स्मूदर बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हेयर वॉशिंग सीक्रेट है मेरा वो ये कि मैं शैम्पू हमेशा पानी में डाइल्यूट करके अप्लाई करती हूँ। इसका क्रीमी थिक टेक्सचर है, लेदर रिच हेयर वॉश एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। इतना ही नहीं, राइस में एक्सेस स्टार्च जो होता है वो क्लाउडफुल न्यूट्रिशन होल्ड करने के लिए जाना जाता है, और दुनिया भर में लॉन्ग, लस्ट्रस, थिक एंड हेल्दी हेयर के लिए राइस वाटर यूनिवर्सली यूज किया जाता है। ये ट्रिक मैंने बचपन में मेरी मम्मी से सीखा था और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, इसलिए मुझे ये पसंद है। एक तो इससे शैम्पू ओवर यूज नहीं होता है और हेयर डीपली क्लीन भी हो जाता है। इस राइस वाटर शैम्पू के साथ ये ट्रिक ना भी करूं तो भी चलेगा क्योंकि ये सल्फेट फ्री है। नेक्स्ट मेरा हेयर वॉशिंग सीक्रेट है, मैं अपने हेयर को अपसाइड डाउन करके वॉश करना पसंद करती हूँ। जब से मैं छोटी थी मैं मैक्सिमम टाइम ऐसे ही वॉश करती थी। ऐसे हेयर वॉश करने से मेरे हेयर में ज़्यादा वॉल्यूम आता है, ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज होता है, हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है और लॉन्ग हेयर को क्लीन करने में आसानी भी होती है। राइस वाटर एंड चिया सीड्स के कॉम्बिनेशन के साथ ये शैम्पू रेगुलर यूज़ करेंगे तो ये वॉल्यूम इंक्रीज करने में भी हेल्प करेगा, साथ ही हेयर ब्रेकेज भी रिड्यूस होगा। और एक और चीज़, ऐसे जब मैं अपने हेयर करके वॉश करती हूँ ना तब मेरे कम स्ट्रैंड्स टूटते हैं एज कम्पेयर जब मैं मेरे हेयर पूरे बैक से वॉश करती हूँ। ये अगर आप लोगों ने भी नोटिस किया है तो मुझे ज़रूर बताना। अब नेक्स्ट हेयर वॉशिंग सीक्रेट जो मैं करती हूँ वो ये कि मास्क या कंडीशनर अप्लाई करने से पहले मैं टॉवल ड्राई करती हूँ। एक्सेस वाटर अगर हेयर में हो तो वो हेयर मास्क अप्लाई करने पे एब्जॉर्ब नहीं होगा, और हेयर को हेल्दी शाइनी बनाने के लिए जो नेसेसरी मॉइस्चर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं वो हेयर को नहीं मिलेंगे। टॉवल ड्राई करने से डीपर पेंट्रेशन होगा, हेयर स्मूदर हेल्दियर होंगे। ये बड्स एंड बेरीज का राइस वाटर एंड चिया सीड्स हेयर मास्क रूट से टिप तक नरिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, तो हेयर बहुत ही हेल्दी, स्मूथ, सिल्की और मैनेजेबल लगते हैं। इसका क्रीमी टेक्सचर है, वेट हेयर में रूट से टिप्स पे अप्लाई करके 10 टू 15 मिनट्स बाद वॉश कर लूंगी। इसमें जो राइस वाटर एंड चिया सीड्स का कॉम्बिनेशन है वो हेयर फॉल, हेयर ब्रेकेज, ड्राई एंड डैमेज हेयर को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इंटेंस कंडीशनिंग प्रोवाइड करता है ये, जो कि 3 to 4 डेज तक लास्ट करता है। एक और अमेजिंग हेयर वॉशिंग सीक्रेट जो रिसेंटली मैंने ट्राई किया और मुझे पसंद आया वो है रिवर्स वॉशिंग मेथड। इसमें पहले कंडीशनर अप्लाई करती हूँ फिर शैम्पू। ये मास्क मैं कंडीशनर की तरह अप्लाई करती हूँ तो 2 to 3 मिनट्स रखती हूँ और फिर वॉश कर लेती हूँ। ये मैं तब करती हूँ जब मैंने ऑयल ना अप्लाई किया हो, एंड्स ड्राई एंड फ्रिजी हो तो ये सॉफ्टन करते हैं और नरिशिंग क्लेंस प्रोवाइड करते हैं।
नेक्स्ट हेयर वॉशिंग सीक्रेट है मेरा दो बार शैम्पू करना, और ये मैं हमेशा जब ऑयलिंग करती हूँ ना तो उसके बाद करती हूँ। ऐसा तो बहुत कम होता है जब मैं बिना ऑयलिंग के हेयर वॉश करूँ, तो डबल शैम्पूइंग से मेरा हेयर एंड स्कैल्प डीप क्लीन होता है। इससे ऑयली हेयर प्रॉब्लम भी रिड्यूस होती है और इससे एक वीक तक हेयर क्लीनर, हेल्दियर एंड शाइनियर होते हैं। फर्स्ट वॉश में ऑयल ब्रेक डाउन होता है, सेकेंड में स्कैल्प एंड हेयर क्लीन होते हैं। इसमें एक और प्रोटीन रिच इंग्रेडिएंट चिया सीड्स है, ये हेयर स्मूथ सिल्की बनाने में हेल्प करते हैं और हेयर ग्रोथ बूस्ट करते हैं। दोनों वॉश के लिए मैं थोड़ा ही शैम्पू यूज़ करती हूँ और हमेशा मैं इन्हें डाइल्यूट करके ही यूज़ करती हूँ ताकि मेरे हेयर ओवर ड्राई ना हो। पर अगर आप वीक में एक से ज़्यादा बार वॉश करते हैं तो डबल शैम्पूइंग वीक में एक ही बार करें। हेयर वॉश करने के बाद मैं टॉवल ड्राई करती हूँ, इसके लिए मैं थिन टॉवल यूज़ करती हूँ। तो मेरा नेक्स्ट हेयर वॉशिंग सीक्रेट है रेगुलर टॉवल की जगह सॉफ्ट थिन टॉवल या कॉटन टी शर्ट यूज़ करें, ये जेंटल होते हैं और तेज़ी से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं बिना फ्रिज के। लास्ट सुपर इम्पॉर्टेंट हेयर वॉशिंग सीक्रेट जो मैं करती हूँ वो ये, हेयर वॉश डे के दिन मैं हेयर ब्रश, क्लिप, पिलो कवर को भी वॉश करती हूँ। अगर आप चाहते हैं जितना ज़्यादा हो सके आप अपने हेयर को क्लीन एंड ऑयल फ्री रख सकें तो आप उन्हें भी क्लीन रखो। ब्रश क्लीन करने से डैंड्रफ कंट्रोल होंगे, ऑयली हेयर रिड्यूस, इची स्कैल्प कम और हेयर ज़्यादा फ्रेश रहेंगे। कंप्लीट नरिशमेंट पैकेज है ये कॉम्बो, हेयर एंड स्कैल्प में नरिशमेंट प्रोवाइड करने के साथ फॉलिकल्स को भी स्ट्रेंथन करता है। बट्स एंड बेरीज एक नेचुरल क्लीन ब्यूटी ब्रांड है जो कि गार्डन फ्रेश इंग्रेडिएंट्स से इंस्पायर्ड है। इनके सारे प्रोडक्ट्स स्पेशली इंडियन हेयर एंड स्किन के लिए बनाए गए हैं और ये इंडियन वुमेन पे ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये 5 क्लीन एश्योरेंस सल्फेट, पैराबेन, सिलिकॉन, थायलेट एंड ग्लूटेन फ्री हैं और ये इफ्रा सर्टिफाइड हैं, यानी कि जो भी फ्रेग्रेंस इनमें यूज़ किए जाते हैं वो हमारे स्किन एंड हेयर के लिए सेफ हैं। इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इनकेस आप ट्राई करना चाहो तो चेक कर सकते हो। अब मैं मेरे हेयर को कम्प्लीटली एयर ड्राई होने दूंगी जो कि नॉर्मली मैं करती हूँ। आई रियली होप कि आपने ये वीडियो इंजॉय की हो, अगर इंजॉय की है तो जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। Have a good hair day. Thank you so much for watching this video. I will see you in my next one. Bye.